मेरे नेता भ्रष्टाचार करते हैं, ये मैंने नहीं कहा, ये किसने कहा? कांग्रेस की सांसद ने कहा है कि कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार करते हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ। और ये बात वो आए बाए करके नहीं बोली है, सीधी सादी होने के कारण सच्ची बोल गई है। और उन्होंने कहा कि मैं पाक साफ हूँ। अब अभी उनके पति चरणदास महंत विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो गए राजनांदगांव में भाषण देने, आते हैं रात में चुपचाप 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 सबको मिलके चले जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है कितना काम किए हैं आपके यहाँ पर। कंबल ओढ़कर घी पीना कोई सीखे तो वो इनके पति चरणदास महंत जी से सीखे। लेकिन इन्होंने जाकर राजनांदगांव में कहा, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया, हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने हम बहनों की चिंता किया, हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने किसानों की चिंता की, जिन्होंने युवाओं को रोजगार देने की चिंता करी, 10 साल में जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया, ये बार बार वो प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने का काम राहुल गांधी करते हैं। कभी न्याय यात्रा निकालते हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। अरे टूटा ही कब था जब जोड़ने निकलते हैं, हमको समझ नहीं आता। उसी लाइन पे ये चरणदास महंत जी ने कहा कि भूपेश बघेल जाएंगे तो वहां पर प्रधानमंत्री जी के सिर पर लाठी मारेंगे, उनके मुड़ी को फोड़ देंगे। कहते हैं ये प्रधानमंत्री जी के ऊपर ऐसा आक्षेप करने वाले चरणदास महंत जी को मैं कहना चाहती हूँ कि हम सबको गुजरना पड़ेगा, हम सब लोगों के हजारों करोड़ों कार्यकर्ता नहीं, 150 करोड़ 140 करोड़ जनता उनके सामने खड़ी है और जनता इसका जवाब उनको जरूर देगी। चरणदास महंत में ये ताकत नहीं है। और ऐसा कहने वाले इनके बुद्धि और विवेक का दीवाला निकल गया है। कांग्रेस के नेता अपनी हार से बौखला गए हैं, उनको दिखाई देता है कि कोरबा लोकसभा क्षेत्र से वो हार रहे हैं, ये हार की बौखलाहट जबान पर है। और कांग्रेस के नेता की ये हार की बौखलाहट इस बात का घोतक है कि छत्तीसगढ़ में हम सभी सीटें जीत रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।